ये जो ऑक्सीजन प्लांट है हमारा, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंडर में ये सेंक्शन हुआ था। इस पर काफ़ी बहुत बड़ा ही अमाउंट है और इसका मैक्सिमम काम जो है 95% से अब वो जो है काम कंप्लीट हो चुका है। ऑल मशीनरी जितनी भी है वो फिट हो चुकी है। पाइपलाइन जहाँ जहाँ पर भी हमने कनेक्शन देने थे, कोई 82 कनेक्शन है इसके बेड साइड पर, वो दे दिए गए हैं। अब इसका खाली ये रहता है डीजी सेट और ट्रांसफार्मर जो है, और मुझे लगता है कि इसी महीने के एंड में ये कंप्लीट हो गए और 1 दिसंबर के बाद ये फंक्शनल हो जाएगा। देखिए पहले तो ऑक्सीजन की बड़ी यहाँ प्रॉब्लम होती थी, छोटे मोटे सिलेंडर होते थे, फिर कोविड आ गया। कोविड में ये प्रधानमंत्री हमारे जो ऑनरेबल हैं उनकी तरफ से जगह जगह पर ये ऑक्सीजन प्लांट सेंक्शन किए गए। उसी तरह मेंडर में भी 500 LPM ऑक्सीजन प्लांट जो है वो सेंक्शन हुआ और फास्ट ट्रैक पर मैंने इसका काम करवाया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को, मशीनरी को जल्द जल्द कंपनी ने मंगाया और इंस्टॉल किया। इस वक्त भी उनके वर्कर यहाँ पर लगे हुए हैं। पाइपलाइन कंप्लीट हो गई है और जैसे पॉपुलेशन का रास हुआ तो ये कोई अबाउट मोर देन 1,80,000 के करीब, आप 2 लाख ही लेके मान के चलें, इतनी पॉपुलेशन को कैटर करेगी। और जितने भी हमारे कोई 82 बेड्स हैं उनको एट ए टाइम किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ऑक्सीजन मिलेगी और रेफरल जो है वो कम होगा। मुझे मेरा ये कहना मानना है कि इसमें रेफरल कम होगा और जितने भी पॉपुलेशन है हमारी उसमें जितने भी लोगों को किसी किस्म की भी अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो मेंडर से ऑक्सीजन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं आज मोहम्मद यूनुस मेंडर से बोल रहा हूँ। अल्लाह पाक का बहुत करम है कि ये जो लगा है, मैं तो मैं भी अभी अभी आया हूँ, यहाँ अभी पहुँचा हूँ, मैं यहाँ देखा है, ये तो बहुत बड़ी एक कमी अल्लाह के फजल से दूर हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कुछ हमारे साथ ये किया, अच्छा किया, हम उसको वेलकम करते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है कि मेंडर के अंदर जो कुछ ये हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, हम इसका वेलकम करते हैं और लोगों की परेशानी दूर हो चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए मैंने कई बार यहाँ देखा कि है ही नहीं था। तो आज अल्लाह का फजल है ये फिटिंग हो रही है, अभी तो 8-10 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह कम्प्लीट हो जाएगा। मेरी तरफ से फकत अदाब और सलाम। अखलाक चौहान एडवोकेट समाजी कारकुन, ये बताऊँ कि जो ये जो ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल हुआ है हमारे यहाँ, इसके लिए मैं तो पहले LG गवर्नमेंट लड जम्मू एंड कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में ये वजाहत करूँ कि इससे हमारा एक बड़े पैमाने का जो मसला था, जो ऑक्सीजन ना होने की वजह से हमारे बहुत सारे पेशेंट्स की जो अमवात जो है वो हो जाती थी, अब वो जो एक स्टेप गवर्नमेंट ने लेकर के हमारी इस मांग को पूरा किया है, इससे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब जो चीज़ हमें जम्मू जिसके लिए जाना पड़ता था वो हमें यहाँ मेंडर में मिलेगी, और उससे भी बढ़कर जो है हमारी पॉपुलेशन जो है बॉर्डर पे सैचुएशन कर, पूरी तहसील जो है बॉर्डर पे सैचुएट करती है और 3 तहसीलें हैं, 3 तहसीलों के लोगों को एकदम जो है ये फैसिलिटी देना, ये एक बड़ी बात है, गवर्नमेंट का एक बड़ा कदम है और इस कदम की हम सराहना करते हैं। इससे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे और मैं मेडिकल इंस्टीट्यूशन से ये गुजारिश करूँगा कि इसमें जो है लोगों को जो है पूरे तरीके से जो है एडजस्ट किया जाए और पूरे तरीके से इसको जो है चलाया जाए, जिस जो पेशेंट एडमिट होगा उसको ये लगाया जाए और ये जो है इसमें हेल्थ में जो हमारी और कमियाँ रहती हैं, मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और इम्प्रूव किया जाए। Thank you.
हाँ सिलेंडर कर दो।